नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। कौन सी तस्वीर कर सकती है आपको कंगाल, कौन सी तस्वीर छीन सकती है आपकी खुशियां, कौन सी तस्वीर बिगाड़ सकती है आपकी तकदीर, जानने के लिए देखिए काल चक्र। तो जी हाँ, वास्तु के अनुसार हमारे आसपास और घर में मौजूद चीजों का किसी ना किसी रूप में हम पर असर होता है। आपने भी महसूस किया होगा कि कोई भी ऐसा सामान जो आपके घर में आई होगी और उसके बाद से ही घर में एक के बाद एक खुशखबरी और तरक्की होती है। और कभी कभी कुछ ऐसी चीजें भी घर में आ जाती हैं जिससे अचानक ही घर में परेशानियों का दौर शुरू हो जाता है और हम ये भी नहीं समझ पाते कि ये सब कैसे हो रहा है। इसलिए आज हम ऐसी 6 तस्वीरों के बारे में आपको बताएंगे जो घर में कभी भी नहीं लगानी चाहिए। अगर ये तस्वीरें घर में आ जाए तो समझ लीजिए आपने खुद ही अपने घर में परेशानियों को निमंत्रण दिया है। तो इस खास और दिलचस्प जानकारी के लिए आप बने रहिए कालचक्र के साथ। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें फोन करें, हमारा नंबर है 01206652411। और अपनी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। सोलह दिसंबर 2023 दिन शनिवार, मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रात 8 बजे तक, इसके बाद पंचमी तिथि शुरू होगी। श्रवण नक्षत्र कल सुबह 4:37 तक, इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। व्याघात योग रात 3:48 तक, इसके बाद हर्षण योग शुरू होगा। आज धनु की संक्रांति है और आज विनायक चतुर्थी है। आज रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बने हुए हैं। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 9:30 तक, यमगंड काल दोपहर 1:34 से दोपहर 2:52 तक और भद्रा काल रात 8 बजे तक है। इसमें किसी नए कार्य का शुभारंभ बिल्कुल ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए और अपनी चर्चा की अब शुरुआत करते हुए बात करते हैं 6 नेगेटिव इफेक्ट डालने वाली तस्वीरों में। उस पहली तस्वीर की बात करेंगे जिसको अपने घर में कभी भी नहीं लगानी चाहिए और जिसके घर में होने से आपकी मैरिड लाइफ में कॉम्प्लिकेशन और प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो कौन सी है वो तस्वीर, वो जानते हैं हम पंडित जी से। पंडित जी बताएं, क्योंकि लोगों को शौक होता है घर को सजाने का, संवारने का, तो कई बार अनजान होते हैं लोग इन चीजों से। और कहते हैं ना, कई बार छोटी छोटी चीजें आपके जीवन में बहुत इफेक्ट डालती है, तो हमारे दर्शकों को आप बताएंगे जरा। देखो ऐसा अंजलि, केवल घर के अंदर ही नहीं जी, घर के बाहर अगर आपका घर किसी श्मशान या कब्रिस्तान के पास है जी, तो उस घर में आप सुखी नहीं रह पाएंगे। क्योंकि श्मशान में जब मुर्दे जलाए जाएंगे तो उसका धुआं आपके घरों में भी प्रवेश करेगा, जो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी मानसिकता के लिए हानिकारक है जी। और आप कभी बहुत प्रसन्नता पूर्वक उसमें जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। ये बात अलग है, कुछ लोग मजबूरी में ऐसी भी जिंदगी जी रहे होंगे जी, जी बिल्कुल। उसी तरह से हमारे शास्त्रों में ये भी वर्णित है कि अस्पताल के अगल बगल घर नहीं होना चाहिए। अच्छा। उससे भी नेगेटिव एनर्जी आती है, क्योंकि अस्पताल में अगर 100 पेशेंट आते हैं तो उसमें 2-4 पेशेंट मर भी जाते हैं, फिर वहाँ हर समय रोना गाना लगा रहता है, ठीक है ना। इसी तरह से टी पॉइंट पर घर नहीं होना चाहिए। अच्छा। अगर जहाँ घर रास्ते का टी पॉइंट होता है उसके सामने घर नहीं होना चाहिए, ये भी मतलब कि जो है आदमी के लिए बहुत हानिकारक है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे वास्तु शास्त्र में स्थान का महत्व है जी, जी, उसी तरह से हमारे घर का भी अपना एक वास्तु है, एक व्यवस्था है। वास्तु का मतलब सीधी सीधी बात समझ लेना चाहिए, व्यवस्था, व्यवस्था। एक सुनियोजित व्यवस्था को हम वास्तु कहते हैं, और अगर प्रकृति के विपरीत कोई व्यवस्था है तो हम उसको मतलब कि वास्तु दोष कहते हैं जी, ठीक है ना। तो जैसे अब
केवल सनातन धर्म की बात नहीं है, सारे धर्मों के लिए कह रहा हूँ, चाहे जिस भी संप्रदाय, चाहे जिस भी धर्म का कोई व्यक्ति हो जी, ठीक है ना, उसको वास्तु के अनुसार कुछ चीजें घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा का बढ़ना ही समझना चाहिए और वो दुर्भाग्य ही लाएगा। जैसे एक धरोहर है ताजमहल, विश्व की एक धरोहर है ताजमहल, क्यों? क्योंकि उसकी कलाकृति बहुत अच्छी है, लेकिन घर में ताजमहल का सो पीस नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए भाई? इसलिए कि वास्तु के अनुसार ताजमहल एक समाधि है जो मौत की निशानी है और नकारात्मकता का प्रतीक है, उसको आप कब्रगाह दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। हालांकि ये प्यार की निशानी है, प्यार तो सबका अपने पत्नी से होता है और सबकी कब्रगाहें होती हैं, तो इसका मतलब थोड़ी कि कब्रगाह की फोटो आप घर में लगा लेंगे। ये शाहजहां की पत्नी मुमताज की कब्रगाह है, इसलिए ताजमहल की फोटो या शोपीस घर में रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा ही आती है। ताजमहल को प्रेम का प्रतीक मानकर अगर आप घर में रख रहे हैं तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि प्यार का प्रतीक नहीं है, ये कब्रगाह है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जैसे ये शरीर है तो ये शरीर मैं नहीं हूं। अगर हाथ में कुछ हो जाए तो मैं कहूंगा कि मेरे हाथ में ये प्रॉब्लम है, मेरे सर में ये प्रॉब्लम है। तो जब मैं कह रहा हूं मेरे सर में, मैं कौन हूं? मैं तो ये शरीर नहीं हूं ना। और जब ये मैं निकल के चला जाएगा तो इस शरीर को तो जला दिया जाएगा ना, इस शरीर का तो कोई नाम नहीं हुआ ना। तो इस शरीर में इतनी आसक्ति क्यों? जो था वो चला गया, उसको आप जानते नहीं, और जिसका कोई अस्तित्व नहीं, जिसे जलना है, जिसे पंचभूत में मिलना है, उसके लिए आप इतना अनुराग कर रहे हैं। तो इसलिए अगर ताजमहल का फोटो फ्रेम करा करके या उसका सो पीस घर में आप अज्ञानतावश ही तो ला सकते हैं और तो नहीं ला सकते हैं। आप घर में रखते हैं तो इसे पति पत्नी के रिश्तों में दरार की संभावना बढ़ती है। अब रही बात कौन सी तस्वीर घर में लगाने से बढ़ सकता है आपका गुस्सा या पड़ सकती है परिवार के सदस्यों में दरार, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर में। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो पंडित जी आगे आपको और भी तस्वीरों के बारे में बताएंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं मेष राशि का राशिफल, कैसे रहेगी उनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज। आज मेष राशि के जातक सावधान हो जाएं, क्योंकि आपके व्यय भाव में राहु और आपका राशि स्वामी अपने भाव से अष्टम जाकर के इस बात का संकेत कर रहा है कि यदि आपने कोई नया कारोबार शुरू किया तो आपका पहला निर्णय ही नुकसान कराने वाला साबित होगा। इसलिए सोच समझ करके पूरे विवेक के साथ आज कोई निर्णय लीजिएगा। हाँ, अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में दिन भर व्यस्तता आपकी बनी रहेगी और किसी छोटी सी बात पर भाई के साथ कुछ अनबन भी हो सकती है, जिसे होने से आपको बचाना चाहिए। और ग्रह स्थिति ये है कि आपके छठे भाव का केतु इस बात का संकेत कर रहा है कि बेवजह का सरदर्द आपको परेशान कर सकता है। किसी नई योजना में आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए, जरूरतमंदों में अन्नदान करना चाहिए। शुभंक आपके लिए दो है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वही हमारे एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं दिल्ली से, उनका भी सवाल सुन लेते हैं। आप अपने सवाल पूछिए। हेलो जी, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। पंडित जी राम राम। राम राम, नाम बताइए। पंडित जी मेरा नाम निखिल है, मुझे अपने बारे में जानना है। मेरी जन्म तिथि 21 जनवरी 1998। जी। मेरी तो बिल्कुल भी नौकरी नहीं लग रही कहीं भी, अपना काम शुरू करा था वो भी बंद हो गया।
अब ऐसा है निखिल बाबू, प्रश्न के हिसाब से तो जो मुझे दिखाई दे रहा है सूर्य मंगल दोनों की युति बनी हुई है, और आपका आज की आजीविका भाव का स्वामी सूर्य है और आपके लग्न का स्वामी मंगल है, मंगल अस्त हुआ पड़ा है। आपको नौकरी भी मिल जाएगी, आप पैसा भी कमाने लगेंगे। आप मेरे कहे से एक उपाय कर लीजिए, आप 100 दिन तक 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और मुझसे लिखित गारंटी ले लीजिए कि 100 दिन के बाद जरा सा आप प्रयास करेंगे तो सफलता आपके कदम चूम लेगी। आपके भाग्य में कोई कमी नहीं है, आपका भाग्य कहीं से दोषी नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी, एक सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह की ज़रूरत है जो अभी आपके शरीर में नहीं है, क्योंकि आपका प्रश्न लग्न का स्वामी निखिल बाबू इस समय अस्त है। और अगर प्रश्न लग्न का स्वामी अस्त हो तो इसका मतलब कि आदमी के अंदर जो है वो पॉजिटिव एनर्जी की कमी है। तो आप 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ रोज नहाने के बाद कर लीजिए, हनुमान जी के सामने दिया जला दीजिए, हनुमान जी की पूजा उपासना कर लीजिए और 100 दिन के बाद देखिए अवसर चल करके आपके दरवाजे पर आएगा, आपका पूरा जीवन सुखमय हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आगे जान लेते हैं वृषभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र छठे भाव में स्वगृही है। छठे भाव का शुक्र जब स्वगृही होता है डरना नहीं चाहिए, लेकिन ये खर्चा बड़ा बेतरतीब बढ़ाता है। इसी तरह से 12वें भाव का शुक्र जो ज्योतिष में होता है वो तो लग्जरियस आइटम पे पैसे खर्च करवाता है, तो भाई आपके पास पैसे रहेंगे तब ना खर्च करोगे। तो 12वें का शुक्र तो अच्छा ही होता है, आपके पास पैसा है तो आप खर्च करेंगे, लेकिन छठे भाव का शुक्र जो है ये बेवजह के खर्चे बढ़ा करके आदमी को मुसीबत में डाल देता है। तो आज आप अगर बेवजह के खर्चे करेंगे तो आर्थिक तंगी के शिकार हो सकते हैं। हाँ, अगर नौकरी कर रहे हैं तो आपके लिए गुड सिग्नल, आपको ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी जिससे आपका सम्मान बढ़ेगा। लेकिन गुस्सा तो भूल के भी मत करिएगा, क्योंकि ज़्यादा गुस्सा आपके रिश्तों को भी खराब कर सकता है। खान पान पर कंट्रोल रखिए, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जल्दबाजी में कोई हस्ताक्षर ना करें, भगवान शिव की विधि पूर्वक उपासना करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारे दर्शक भी लगातार जुड़ रहे हैं, सुभाष दिल्ली से जुड़ चुके हैं। सुभाष आप अपने सवाल लीजिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए जी। सुभाष बोल रहा हूँ दिल्ली से। 35 साल उम्र हो रही है जी। मैं 35। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं सुभाष जी? रविवार के बारे में जानना चाह रहा हूँ, कब तक होगी और कैसा जीवन रहेगा। किसके बारे में जानना चाहते हैं? विवाह। अच्छा, तो शनि और सूर्य दोनों की स्थिति चतुर्थ दशम है, इसका तो कुछ सिग्नल नहीं मिल रहा है अभी कि कब तक होगा कि नहीं होगा। सब मामला बड़ा चौपट लग रहा है। अभी तक आपका विवाह हो जाना चाहिए था, विवाह के 2-2 बार योग आपके बन चुके हैं, और अगर नहीं हुआ तो ये बड़े आश्चर्य की बात है क्यों नहीं हुआ। अब तक तो विवाह हो भी जाना चाहिए था, टूट भी जाना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं हुआ तो अब कम से कम आपको हमारे समझ से 29 मार्च 2025 तक का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए आज खास चर्चा हम लोग कर रहे हैं वास्तु की, और देखिए हर कोई चाहता है कि उसके घर में खुशियां आए, नेगेटिविटी दूर हो। कुछ मूर्तियां ऐसी भी होती है जो नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाती है, परिवार की सुख शांति पर भी उससे असर होता है। वो कौन सी 6 चीजों में दूसरी चीज है वो भी हम आप जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी, पहला तो आपने ताजमहल की मूर्ति के बारे में बताया कि नहीं रखना चाहिए, अब दूसरी वो कौन सी तस्वीर है? और हम एनर्जी पर बात कर ही रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा इस पर भी फोकस डालें, क्योंकि हर चीज को जब आप एक्सप्लेन करते हैं मुझे लगता है कि और बहुत कुछ क्लियर होता है। नेगेटिव एनर्जी की बात करें, कई बार ऐसा होता है पंडित जी, हम लोगों ने भी महसूस किया होगा, आप कहीं जाते हैं कई बार किसी जगह पर आप बेवजह बेचैनी महसूस करते हैं, तो क्या वो वास्तु का ही असर होता है? वो वास्तु का भी असर होता है जी, और वहाँ रहने वाले लोगों के आभा मंडल का भी असर होता है। जैसे जी, बारात जब चल रही होती है तो बारात में रथ के सामने दोनों तरफ रोड लाइट लेकर के लोग चल रहे होते हैं,
और उसके बीच में कुछ लोग नाचते हुए चल रहे होते हैं। जो आदमी बुद्धिमान होगा, जो आदमी का बौद्धिक लेवल बहुत ऊंचा होगा जी, वो आदमी उस भीड़ का हिस्सा एक मिनट भी नहीं बन पाएगा। हुँ. और वो बेचैन होकर के रोड लाइट के बाहर से चलना शुरू कर देगा। हुँ. ऐसा क्यों होगा? अनजाने में ही होगा, लेकिन क्यों होगा? क्योंकि उसकी जो मन मस्तिष्क से हाँ. जिस आभा की किरणें जो निकलेंगी वो दूसरे के मस्तिष्क से टकराएंगी, इससे उसको बेचैनी बढ़ेगी, और जब बेचैनी बढ़ेगी तो घबरा करके निकल जाएगा। अच्छा, भगवान शिव का आभा मंडल इतना ज्यादा है, इसलिए उन्होंने जाकर के कैलाश पर वास किया, और जहां वो कैलाश पर वास करते हैं उसके 64 योजन तक, मतलब 240 कोस तक कोई रहता वहता नहीं है। उनके आभा मंडल का इतना लंबा चौड़ा विस्तार है। आज देख लो, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मिनिस्टर हो, अगर उससे मिलना है ना तो 1x1 ही व्यक्ति जाएगा मिलने के लिए। एक एक व्यक्ति ही जाएगा मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि ज्यादा लोग अगर उसको घेर कर खड़े हो जाएंगे तो सबके आभा मंडल का जब उसके आभा मंडल पर प्रभाव पड़ेगा तो उसकी बेचैनी बढ़ जाएगी, उसकी कार्य क्षमता खराब हो जाएगी, उसकी निर्णय क्षमता खराब हो जाएगी। लेकिन उसी जगह प्राइमरी के टीचर को देखो, शिशु और नर्सरी को पढ़ाने वाले टीचर को देखो, तो उसके चारों तरफ बच्चे घेर कर उसको खड़े रहते हैं, हाँ, और कुछ बोलते रहते हैं, और सबकी कॉपी वो देखता रहता है। इसीलिए पाँच साल दस साल प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने वाला जो टीचर होता है वो भी बचपना के स्वभाव का हो जाता है, ठीक है ना। तो महाभारत में कथा आती है कि जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो अर्जुन ने कहा कृष्ण से, हे कृष्ण, मैं भीख मांग के खा लूंगा, लेकिन मैं ये रक्त रंजित जमीन नहीं लूंगा, मैं अपने रिश्तेदारों को, मैं अपने मतलब की सगे संबंधियों को, मैं अपने गुरुजनों को कैसे मारूं? बिल्कुल। भगवान कृष्ण ने सोचा कि जिंदगी भर इसने धनुष बाण चलाना सीखा, इसीलिए कि युद्ध करना पड़ेगा, और आज ये स्त्रियों जैसी करुणा की बात कर रहा है। तो भगवान कृष्ण को एक बात याद आ गई, जब अर्जुन अज्ञातवास में थे तो एक साल के लिए बृहन्नला बने थे, और बृहन्नला बने थे तो इन्होंने उत्तरा को डांस करना सिखाया था, उत्तरा को नाचना सिखाया था, और ये रनिवास में ही रहते थे, महिलाओं के परिधान में और महिलाओं के वेश में महिलाओं के साथ ही रहते थे। तो महिलाओं के संसर्ग में एक साल रहने से इनके अंदर करुणा प्रवेश कर गई, और वही करुणा महाभारत में बोल रही है कि मैं धनुष नहीं उठाऊंगा, मेरी धनुष कांप रही है, मेरा गांडीव कांप रहा है, मेरे वोट सूख रहे हैं, मैं कैसे लोगों को मारूंगा। प्रभाव होता है साथ का, संगति का प्रभाव होता है, स्त्रियां करुणाचित होती ही हैं, स्त्रियों में करुणा होती ही है, इसमें कोई दो राय नहीं, और स्त्रियों के ज्यादा संसर्ग में रहने वाला भी करुणा से भरपूर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जैसे अब भगवान शिव के बारे में बात करें तो शिव का अर्थ होता है कल्याण, शिव का अर्थ जो होता है शाब्दिक अर्थ होता है कल्याण, लेकिन शंकर का अर्थ कल्याण नहीं होता, शंकर का अर्थ होता है संहारक। भगवान शिव को जब आप भजते हैं तो कल्याणकारक के रूप में भजते हैं, शंकर के रूप में जब आप भजते हैं तो संहारक के रूप में भजते हैं। तो इसी तरह से भगवान शिव के कई रूप हैं, इनमें कुछ तो शांत, सौम्य और मंगलकारी हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो विनाशकारी हैं। ऐसे भयंकर रूपों में एक रूप उनका नटराज का आता है। घर में भगवान नटराज शिव की, भगवान शंकर की, यहाँ शिव कहना उचित नहीं है, घर में भगवान शंकर की नटराज की मूर्ति या तस्वीर नहीं लगाना चाहिए गृहस्थ को। कई क्लासिकल डांसर इसे अपने घर में रखते हैं और कई लोग भी इसे अपने शो पीस की तरह रखना पसंद करते हैं, लेकिन नटराज की मूर्ति के दो पहलू हैं। एक तरफ नटराज की मूर्ति अद्वितीय कला की प्रतीक है, और दूसरी तरफ नटराज की मूर्ति भगवान शिव के नृत्य का तांडव रूप दिखाती है, जो क्रोध विनाश का प्रतीक है। इसलिए भाई
नटराज की मूर्ति घर में रखने से कई बार घर में सुख शांति भंग हो जाती है, परिवार के सदस्यों में क्रोध बढ़ सकता है। इसीलिए हम अपने हर कार्यक्रम में एक बात सभी दर्शकों से कहना चाहते हैं कि जब भी आप अपने घर में कोई तस्वीर लगाएं भगवान शिव की, तो उसमें भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में हों। क्रोधित मुद्रा में अगर तस्वीर उनकी हुई और खड़े हुए अगर उनकी त्रिशूल हुई और क्रोधित मुद्रा में तस्वीर हुई, तो ये तस्वीर आपके परिवार के लोगों के लिए और आपके भविष्य के लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि भगवान शिव अगर समाधि में बैठते हैं तो त्रिशूल लेकर के लोगों का वध भी करते हैं। इसलिए ध्यान से सौम्यता के साथ तस्वीर का चयन करना चाहिए। हाँ, कौन सी तस्वीर आपका गुस्सा बढ़ा सकती है और आपके घर की सुख शांति छीन सकती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर में। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए आगे पंडित जी और तस्वीरों के बारे में आपको बताएंगे विस्तार से, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं हिमाचल से। आप सवाल पूछ सकते हैं जी, आप अपने सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार, जोर से बोलिएगा तो जवाब मिल जाएगा। नमस्कार जी, मैं ब्रह्म सुबह, मेरा नाम ही ब्रह्म सुबह बोल रहा हूँ ना। दिस कॉल इज नाउ बी अब रिकॉर्डिंग कर लीजिए। हमारे दर्शक भी जुड़ रहे हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं, और आज की बात की जाए तो जो हम डिस्कशन कर रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कई बार हम लोग सुख शांति के लिए कोशिश करते हैं लेकिन हमें वजह पता नहीं होता, और पंडित जी आज सिलसिलेवार तरीके से आपको ये बता रहे हैं वास्तु के हिसाब से। और चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। मिथुन राशि पर राशि स्वामी बुध की पूर्ण दृष्टि है। अगर आपकी मिथुन राशि है तो आपके किसी पुराने निवेश से धन लाभ होगा, नंबर एक बात। नंबर दो बात, नई नौकरी के लिए अगर आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि बुध बृहस्पति का पंचम नवम संबंध है, लेकिन इसमें शनि मड़ऊ योग कारक है, इसलिए अगर आप आवेदन भी करेंगे तो इसका रिजल्ट 29 फरवरी 2024 के बाद ही आएगा, इसको नोट कर लीजिए। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होगी, मौसमी बीमारियां खुद से आपको परेशान कर सकती हैं, क्षमता के अनुसार ही किसी की मदद करें, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का यथासंभव जप करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय माँ विंध्यवासिनी। वही हमारे साथ लगातार दर्शक भी जुड़ चुके हैं, और हमारे दर्शक एक दुर्गा जुड़ चुकी हैं, लेकिन उसके पहले मैं अपने दर्शकों से एक अपील करूंगी कि देखिए जब आप सवाल लेते हैं तो आप सवाल बहुत क्लियरली पूछें, क्योंकि पंडित जी तभी विस्तार से आपके सवाल का जवाब भी दे पाएंगे। तो हम दर्शक दुर्गा जुड़ चुकी हैं, आप अपने सवाल पूछिए। जय मां विंध्यवासिनी, मैं दुर्गा बोल रही हूँ। अरे दुर्गा जी, आपको साष्टांग प्रणाम, आप तो मेरी आराध्या बोल रही हैं। हाँ जी, मैं दुर्गा जी बोल रही हूँ। मैं मुझे अपने बेटे रोहित के लिए पूछना। जी बताइए, क्या जानना चाहती हैं बेटे के बारे में? वो उसकी शादी नहीं हो रही। कितने साल का है बेटा? वो 15/10/1985। हाँ, अरे ऐसा है कि आपके पुत्र भाव का स्वामी चंद्रमा है, और आपके बेटे के विवाह भाव का स्वामी शनि है। शनि और चंद्रमा द्वितीय द्वादश की स्थिति में बैठे हुए हैं। आपके पुत्र के विवाह में तो बहुत विलंब हो गया, ये 38 साल का हो गया है, और विवाह का योग अभी बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं एक उपाय कहूँगा, इस उपाय को आप करवाइए तो विवाह का संयोग बन जाएगा। 19 सरसों के तेल के दिए पीपल के पेड़ के नीचे बेटे से पीपल के पेड़ के चारों तरफ रख करके जलवाइए, और हर दिए के पास एक पान का पत्ता और पान के पत्ते पर एक बताशा और 1 रुपये का सिक्का रखवाइए, और जब सारे दिए जल जाएं तो पीपल की वो 7 परिक्रमा कर लें और सारी चीज़ें वहीं छोड़ करके शाम को अपने घर चले आएं। ये उपाय आप 7 शनिवार करिए तो इनके विवाह पर जो प्रतिबंध योग बना हुआ है वो प्रतिबंध योग दुर्गा जी काफी हद तक ठीक हो जाएगा, और विवाह होने में आपको सहयोग मिलेगा।
जय माँ विंध्यवासिनी। तो अब आगे जान लेते हैं कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। चलिए, कर्क राशि है तो अच्छी बात यह है कि आपका राशि स्वामी भले ही मकर राशि में बैठा हुआ है लेकिन आपके राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। किसी कारोबारी डील में आपको आज धन लाभ होने वाला है। आप लापरवाही भी करेंगे तब भी भगवान की कृपा आपके साथ है। ऑफिस में किसी बड़े काम की आप शुरुआत करेंगे। घर में मेहमान आ सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर की शिकायत है तब तो आप अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान दें। उधार का लेन देन आज आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गरीब विद्यार्थियों में शिक्षा से जुड़ा सामान अगर आप बांट सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो देखिए, घर को खूबसूरत बनाने के लिए हम अलग अलग चीजें और तस्वीरें लाकर सजाते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमारे घर की ऊर्जा पर सकारात्मक उस पर इफेक्ट डाले। और ऐसी एक सजावट की ही चीज है जो हम में से कई लोगों के घर में होती है। वो कौन सी ऐसी चीज है और उसको आपके घर पर क्या असर होगा ये बताएंगे आपको हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। अपने कार के पीछे जो है शीशे के अंदर रखे रहते हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं शेर हूं। अगर आप हिंसक जानवरों की तस्वीर अपने घर में लगाते हैं तो आप विश्वास करिए आपके घर में तनाव और हिंसा का वातावरण कभी ना कभी इतना उपद्रव मचाएगा कि पूरा घर तहस नहस हो जाएगा। इसका कारण यह है कि इन तस्वीरों में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में रहने वालों की प्रवृत्ति पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसी तस्वीरें लगाने से परिवार के सदस्यों में क्रोध और डाह ईर्ष्या की भावना बढ़ती है। आत्मविश्वास और संयम की कमी हो जाती है। परिवार में आपसी कलह के कारण सुख चैन खोने लगता है। कुछ लोग वाइल्ड लाइफ की तस्वीरें लगाते हैं, जैसे जंगल का एक चित्र लगाते हैं और उसमें चलते हुए मतलब कि शेर चीता भालू इस तरह की चीज़ें लगाते हैं। इसको सोचते हैं कि ये हम बड़ा मतलब कि अच्छी चीज़ लगा रहे हैं। बिल्कुल ये अच्छी चीज़ नहीं है। जैसी हो तब्यता वैसी लगे सहाय, ताहि न आवे ताहि पर ताहि तहाँ लग जाए। ऐसी तस्वीर लगाने का मतलब कि आप भी दुखों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। इसलिए जंगली जानवर या हिंसक पशुओं की तस्वीरों को घर में नहीं लगाना चाहिए। मेरा आग्रह है आपसे, निवेदन है आपसे कि आप अपने घर को मंदिर भी कहते हैं, आपके रहने का वो मंदिर है जिसके आप देव हैं, उसको ऐसे सुसज्जित रखना चाहिए जहाँ जाने के बाद मन को प्रसन्नता मिले, मन को शांति मिले, आगंतुकों को भी शांति मिले, किसी को बेचैनी न महसूस हो, घर का वातावरण इतना सुरम्य हो कि कोई 2 मिनट बैठना चाहे तो 10 मिनट बैठ जाए, किसी के मन में तनाव है तो तनाव दूर हो जाए। ये तब हो सकता है जब घर में पूजा पाठ नाम भजन कीर्तन का माहौल होगा और घर में चीज़ें व्यवस्थित होंगी। पता लगा कि एक जूता गेट के पास है, दूसरा जूता किचन के सामने रखा हुआ है, तीसरा जूता जो है सोफे के पास है, घर में चीज़ें बिखरी हुई हैं, झाड़ू अलग गिरी हुई है, सामान अलग बिखरे हुए हैं। अरे ये क्या है भाई, अगर आप अपने घर को नहीं व्यवस्थित कर सकते तो ये जिंदगी इतनी बड़ी है, इसकी जिम्मेदारियां इतनी बड़ी है, इस जिंदगी को आप कैसे व्यवस्थित करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि घर में कूड़ा पड़ा हुआ है और उसी रास्ते से 4 बार गुजर रहे हैं लेकिन इतनी गलती नहीं करेंगे कि कूड़े को बीन करके डस्टबिन में डाल दें। ऐसे लोगों को तो चुल्लू भर पानी बहुत काफ़ी है। जो लोग जहाँ से गुजर रहे हैं वहाँ से अगर कोई अनवांटेड चीज़ पड़ी हुई है तो घर का चाहे मुखिया हो और चाहे घर का छोटा सदस्य हो, अगर जरा सा भी दिमाग है तो उन सारी चीज़ों को बीन करके
उठा करके और डस्टबिन में डाल देना चाहिए। घर की सफाई सिर्फ महिला की जिम्मेदारी नहीं होती है, घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखे और ऐसा घर का माहौल बनाना चाहिए। जो लोग इस तरह से नहीं करते हैं वो लोग अपने जीवन में भी सफल नहीं होते हैं, ये मेरी गारंटी है। जो लोग कूड़े को देखकर अवॉइड करके और आगे बढ़ जाते हैं और किसी चीज़ को सुनियोजित, जैसे बच्चों ने घर में खिलौने फैला दिए हैं, बच्चे हैं तो फैलाएंगे, तो आप बड़े हैं ना, आप उसको सब समेट करके जब बच्चे खेल चुके हैं तो रख दीजिए, अगर आप नहीं रखते हैं तो आप भी खिलौने बन जाएंगे, आपसे भी दुनिया खेलेगी और आपके ऊपर भी दुनिया हंसेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, मेरी बात कड़वी जरूर लग रही है होगी, लेकिन अगर आप अपने घर को ठीक नहीं रखेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जब समय आपका ठीक नहीं रहेगा और आप भाग्य का रोना रोएंगे, भगवान को कोसेंगे, लेकिन आप अपनी गलतियों पर विचार नहीं करेंगे। हाँ, घर में लगी कौन सी तस्वीर आपका फिजूल खर्च बढ़ाकर आपको कंगाल कर सकती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर आप समझिए कि हर समय आपको चैतन्य रहना चाहिए और अपने जीवन के प्रति सतर्क रहना चाहिए और हर समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें कब क्या करना है क्या नहीं करना है, इस चीज़ का चिंतन सदैव करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। जी हाँ बिल्कुल, जैसा कि पंडित जी बता रहे हैं कि आपको हमेशा सतर्क भी रहना चाहिए और चिंतन करना चाहिए क्योंकि जीवन तो आपका ही है। बात कर लेंगे सिंह राशि का, राशिफल आज उनका दिन कैसा बीतने वाला है जानते हैं। देखिए सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका चंद्रमा व्यय भाव का स्वामी होकर व्यय भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। जब व्यय भाव को व्यय से देखेगा तो धार्मिक कार्यों पर तो खर्च होगा ही, हो सकता है कि माँ की बीमारी पर भी खर्च हो, कोई बुरी बात नहीं है। ऑफिस में रुके हुए काम आपको निपटाने होंगे, खूब पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा, बिगड़े रिश्तों में सुधार होगा। योग प्राणायाम करिएगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नई प्रॉपर्टी के पेपर अच्छे से जांच लीजिएगा। असल में सिंह राशि के जातकों के अंदर एक बहुत बड़ा दुर्गुण होता है, ये दुर्गुण ये होता है कि इनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस होता है, या तो इतना विश्वास कर लेंगे कि जिसकी खुश सीमा नहीं, अब या तो चिढ़ जाएंगे तो इतना चिढ़ जाएंगे कि फिर उस आदमी को कभी सकल उसकी नहीं देखना चाहेंगे। ये दोनों चीज़ें गलत हैं, न तो अति आत्मविश्वास आपका अच्छा है और न किसी से इतना ज़्यादा चिढ़ना अच्छा है कि वो मतलब कि खराब हो जाए। दोनों में बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश करनी चाहिए। विश्वास तो किसी का नहीं करना चाहिए बिना पूरी तरह से जांच पर रखिए। हाँ, माँ दुर्गा के मंदिर में घी का दिया जलाएं, थोड़े समय तक ध्यान पूजन करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे कन्या राशि का राशिफल, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग जानते हैं। कन्या राशि का स्वामी धनु राशि में बुध स्थित है। कन्या राशि से आजीविका भाव का स्वामी बुध अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। यदि आपका व्यवसाय साझेदारी में है तो मुझे पूरा अनुमान है कि आज आपको धन लाभ होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में आपके साथ काम करने वाले लोगों का सहयोग भी आपको मिलेगा, और यदि आप विवाह योग्य हैं तो नए रिश्ते के प्रस्ताव आ रहे हैं, आ जाएंगे, विवाह का योग भी बन रहा है। अगर आपकी उम्र 44 से 45 साल के ऊपर है तो आपको सर्वाइकल और पीठ का दर्द परेशान कर सकता है, आपकी जिद आपका नुकसान करा सकती है। भगवान गणेश को दुर्वांकुर और लड्डू अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो घर में लगी कौन सी तस्वीर आपके फिजूल खर्च को बढ़ाकर आपको कंगाल भी कर सकती है, आइए जानते हैं पंडित जी से, बताएं पंडित जी। देखिए ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने घर में पानी का फव्वारा या फिर दीवार पर पानी के फव्वारे की तस्वीर लगाना पसंद करते हैं, झरने का तस्वीर लगाना पसंद करते हैं। वास्तु के अनुसार फव्वारा जो है वो गतिशीलता को दर्शाता है, यानी अस्थिरता लाने वाला है। इसका मतलब है
कि जो धन और समृद्धि आपके घर में आ रही है वो ज़्यादा समय तक आपके घर में टिक नहीं पाएगी। इसलिए घर में अगर फव्वारा लगाएं तो किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर के ही लगाएं, किसी वास्तु एक्सपर्ट की सलाह से ही लगाएं, वरना इसका लगाना नुकसानदेह हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेंगे तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। तुला राशि में इस समय शुक्र की स्थिति है, लेकिन व्यय भाव में केतु है, तो धन से जुड़ा फैसला अगर आप कोई ले रहे हैं तो ये नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि अगर आपकी तुला राशि है तो आपके धन भाव में सूर्य के साथ मंगल है और मंगल धनेश होकर के अस्त हुआ पड़ा है, तो इसलिए पैसे से जुड़ा अगर कोई डिसीजन, बड़ा डिसीजन आप लेने जा रहे हैं तो इसमें नुकसान की भी संभावना है। हाँ, किसी दूसरे के भरोसे पर अपना काम आपको नहीं छोड़ना चाहिए, आपको अपना काम स्वयं करना चाहिए, और आपका शांत स्वभाव बिगड़े रिश्तों को भी सुधार सकता है। नकारात्मक विचार लेकिन स्वास्थ्य को बिगाड़ सकते हैं। व्यर्थ का वाद विवाद नहीं करना चाहिए। कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। शुभ अंक आपके लिए दो है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो घर में लगी कौन सी पांचवी तस्वीर प्रॉपर्टी के विवाद लड़ाई झगड़ों को बढ़ा सकती है, कौन सी है वो तस्वीर, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताए पंडित जी। देखिए, बहुत से लोग घर में महाभारत की तस्वीर लगाते हैं। वास्तु के अनुसार महाभारत की तस्वीर घर की सुख शांति को कम करती है और प्रॉपर्टी विवाद को बढ़ाती है। महाभारत एक पारिवारिक युद्ध था जो परिवार में संघर्ष की भावना को बढ़ाता है, इसलिए महाभारत की तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए। साथ ही युद्ध से जुड़ी चीज़ें जैसे तलवार, बंदूक, तोप या फिर सैनिकों की तस्वीरें घर में नहीं लगानी चाहिए, इससे गुस्सा और आपस में मनमुटाव बढ़ता है। लेकिन अगर आपके पास ये सारे हथियार लाइसेंसी हैं, आपने इसके लिए लाइसेंस प्राप्त किया है अपनी सुरक्षा के लिए, तो इसको रख तो सकते हैं आप, लेकिन ऐसी जगह पर रखें जहां सिर्फ आपकी पहुंच हो, जिसको सब लोग देख ना सकें। इसे आप ऐसी जगह पर सुरक्षित और छिपा कर रखें जहां सिर्फ और सिर्फ आपकी पहुंच हो। आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपका भाई, आपका भतीजा, किसी की पहुंच वहां तक ना हो, वरना अगर वो सामान खो गया तो आपके लिए कानूनी मुसीबत बनेगी, और अगर उस हथियार को कोई आपके घर का व्यक्ति पा गया, वो नाराज है, दुखी है, तो उससे अगर अपना कोई नुकसान कर लिया तो उससे भी आपका नुकसान होगा, किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा दिया तो उससे भी आपका नुकसान होगा। इसलिए पावर और अस्त्र शस्त्र जब मिले तो आदमी को बहुत विनम्र हो जाना चाहिए, बहुत ही विनम्र और सहनशील हो जाना चाहिए। आप देखिए ना, पुलिस वाले इतनी भीड़ को नियंत्रित करते हैं और उनके कंधे पर बंदूक होती है और उनके ऊपर लोग पत्थर चला देते हैं, उनके लिए लोग अपशब्दों का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन वो उत्तेजना में आकर के बंदूक की गोली नहीं चलाने लगते हैं। जरा उनका धैर्य देखिए, उनका पेशेंस देखिए, कितना पेशेंस होता है कि कंधे पर उनके बंदूक है, गोलियां भरी हुई हैं, लेकिन इसके बाद भी वो आपकी गालियों को भी सुन लेते हैं, आप पत्थर उठा के फेंक देते हैं उसे भी वो बर्दाश्त कर लेते हैं, जब उन्हें ज़्यादा परेशान आप करते हैं तो वो डंडा चलाते हैं और अपनी रक्षा करते हुए। तो हमें भी छोटी छोटी बातों में अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे सर्वनाश हो जाएगा। अस्त्र शस्त्र और जिन लोगों का टेम्परामेंट, जिन लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता हो, ऐसे लोगों को मैं सलाह दूंगा कि उन्हें किसी प्रकार का हथियार रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये कान जो है ये अहंकार को जन्म देता है। आपकी कोई प्रशंसा करेगा तब भी आपके अंदर अहंकार का भाव जागृत होगा, आपको कोई गाली देगा तो तुरंत आपके मन को संकल्प ये दिलवाएगा कान कि इसका बदला ले लो,
और बदला लेने के बाद क्या होगा फिर आप सोचिए। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई हथियार है घर में और रखा हुआ है तो उसको बहुत छिपा करके रखिए, उसका प्रदर्शन मत करिए, उसका प्रदर्शन हानिकारक है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में सूर्य और मंगल की स्थिति है, लेकिन आपका राशि स्वामी मंगल अस्त है, तो इसलिए भाई संभल करके खर्च करिए। कहीं अगर निवेश कर रहे हैं तो उस पर 100 बार सोच लीजिए, लालच में आकर के अगर आप कोई निवेश करेंगे तो पश्चाताप के अलावा आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और अधिकारियों से वाद विवाद होने की संभावना बनी हुई है, लंबे समय बाद अपनों से मुलाकात होगी, बाहरी खान पान आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है, पैसों के लेन देन में ज़्यादा सतर्क रहें, गुड़ का दान करें, शुभंक आपके लिए साथ है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो देखिए लगातार हम तस्वीरों पर चर्चा कर रहे हैं, तो हम जानेंगे कि घर में लगाने से कौन सी ऐसी तस्वीर जो गुड लक को बैड लक में बदल सकता है, ये भी जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो घर में टाइटेनिक जहाज, दूसरे डूबते हुए जहाज या नाव की तस्वीर लगा लेते हैं। वास्तु के अनुसार इस तरह की तस्वीरें घर में कभी नहीं लगानी चाहिए। डूबते हुए जहाज की, समुद्र में डूबते हुए जहाज की तस्वीर कभी घर में नहीं लगानी चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों का मनोबल गिरता है, आपस में मतभेद और मनमुटाव बढ़ जाता है। डूबते हुए जहाज या नाव की तस्वीर परिवार में लड़ाई झगड़ों को बढ़ाती है। पैसा, प्रॉपर्टी और पारिवारिक सुख शांति के लिए ऐसी तस्वीरों को घर में नहीं लगाना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। तो धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहने वाली है, कौन से उपाय इनकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं, साथ ही आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता कौन है, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की, क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए अगर आपकी धनु राशि है तो आपका राशि स्वामी बृहस्पति आपके पंचम भाव में इस समय गोचर कर रहा है, लेकिन आपके केंद्र में राहु है महाराज, तो ऐसे में पैतृक संपत्ति मिलने का योग है, लेकिन विवाद मत बढ़ाइएगा पैतृक संपत्ति के लिए। हाँ अगर आप थोड़ी बुद्धिमत्ता दिखाएंगे, क्रिएटिविटी दिखाएंगे, तो निश्चित रूप से आपकी प्रशंसा होगी और भाई से यदि कोई पुराना विवाद है वो भी खत्म हो जाएगा। आँखों से संबंधी कोई समस्या, कोई परेशानी हो सकती है। बड़े बुजुर्गों का अपमान मत करिए, पीपल पर सरसों के तेल का दिया जलाइए, शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे मकर राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। मकर राशि में इस समय चंद्रमा का गोचर है, ठीक है, और द्वितीय भाव में शनि है, तृतीय भाव में राहु है, चतुर्थ भाव में बृहस्पति है, तो इससे एक बात तो साबित हो रही है कि यदि आप मकर राशि के जातक हैं तो आमदनी का कोई न कोई जरिया तो आप ढूंढ लेंगे और नौकरी में भी तरक्की मिल सकती है, दाम्पत्य जीवन में भी खुशियां लौटेंगी, लेकिन लापरवाही करने पर चोट चपेट की भी संभावना है, सतर्क रहें। लंबी यात्रा हो सके तो टाल दें, सूर्य को अर्घ दें, शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शनि आपके राशि में है,
और आपके द्वितीय भाव में राहु है और द्वितीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में है। ऐसे में नए कारोबार में निवेश के लिए दिन ठीक माना जाएगा। ऑफिस में सहकर्मी का साथ मिलेगा, जीवन साथी के साथ घूमने का प्लान बनेगा। शुगर के रोगी अपना खास ध्यान रखें, किसी को अपना वाहन बिल्कुल ना दें, ज़रूरतमंदों में दवाइयाँ दान करें। शुभ अंक आपके लिए नव है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब हम कुंडली विजेता की बात कर लेते हैं। पंडित जी जो हमारे आज के कुंडली विजेता हैं वो जौनपुर से हैं, यूपी के रहने वाले, रुचि उपाध्याय। इनका डेट ऑफ बर्थ है पंडित जी 25 जनवरी 1999 और टाइम जो है 5:45 इवनिंग में है और प्लेस ऑफ बर्थ भी जौनपुर है। सवाल इन्होंने ये पूछा है कि बीटेक किया है, अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है, कब तक मिल पाएगी। दूसरा सवाल भी पूछा है इन्होंने कि इनकी शादी कब तक होगी। देखो रुचि, ऐसा है बेटा, 25 जनवरी 1999 को 5:45 शाम आपका जौनपुर में जन्म हुआ, आपका कर्क लग्न में जन्म हुआ है और आपकी मेष राशि है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में रुचि जो है मेष राशि है, भरणी नक्षत्र का जन्म है। एक तो आप मांगलिक हैं, आप अच्छी तरह से ये बात समझ लीजिए, और दूसरी बात ये समझ लीजिए कि आपका चंद्रमा शनि के साथ 20 योग बनाता हुआ दशम भाव में है। पिछले अगर 9.5 साल से देखा जाए तो कभी न कभी स्वास्थ्य संबंधी समस्या और नकारात्मक विचार आपके अंदर आते जाते रहे हैं, जिसके कारण पढ़ाई में भी जो चमत्कार होना चाहिए वो चमत्कार नहीं हुआ, सामान्य पढ़ाई आपकी पूरी हुई है। हाँ, लेकिन एक बात पक्का है कि 21 मार्च 2024 के बाद नौकरी लगने का योग शुरू हो रहा है और 28 अप्रैल 2024 के बाद आपके विवाह का भी योग बनना शुरू हो जाएगा। अगर 28 अप्रैल 2024 से लेकर के और नवंबर दिसंबर 2024 तक आपका विवाह हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर 2025 में आपका विवाह नहीं हो करके 2026 में आपका विवाह होगा। लेकिन नौकरी का जहाँ तक प्रश्न है तो 21 मार्च 2024 के बाद विवाह के नौकरी का योग बन रहा है। हाँ, एक काम आपको जरूर करना चाहिए, आपका शनि नीच राशि में है और शनि आपका मार्केश है, शनि आपके पति भाव का स्वामी है और शनि आपका मृत्यु भावेश है और शनि आपका ठीक नहीं है, शनि आपका नीच राशि में है। शनि की एक शांति करवानी चाहिए और शांति करवाने में तो पैसे लगेंगे। मैं एक छोटा सा उपाय बताता हूँ, ओम संग शनश्चराय नमः, इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला पर 10 माला जप 102 दिन शाम को सरसों के तेल का दिया जलाकर कर लो। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ तुम्हारे जीवन की सारी परेशानी का कांटा निकल जाएगा और तुम सुखी जीवन जियोगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। वही हमारे एक दर्शक पूनम बिहार से जुड़ चुकी हैं। पूनम, आप अपने सवाल पूछिए। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। मेरा दो सवाल है। पहला सवाल अपने बेटे के बारे में है। 12 आयुष कुमार गिरी, 12 जुलाई 1997 दिन शनिवार शाम 3 बजे। जी पंडित जी, वो बार बार परीक्षा देता है और चूक जाता है, उसके लिए वो शादी भी नहीं कर रहा है। पंडित जी, क्या उसका मतलब उसका नौकरी, सरकारी नौकरी उसका किस्मत में है? अगर है तो कब तक है पंडित जी? और शादी भी नहीं करा, उसका भविष्य बताइए कब तक उसका शादी होगा। दूसरा सवाल पंडित जी, आपके पुत्र भाव का स्वामी जो है पूनम जी शनि है और आजीविका भाव का स्वामी शुक्र है, शुक्र शनि का इत्थसाल योग है, उसको कहिए मनोयोग के साथ नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत रहे, अपना मन छोटा न करे और 29 फरवरी 2024 के बाद वो जो भी एग्ज़ाम देगा, जो भी इंटरव्यू देगा, उसमें उसको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और नौकरी मिलने के बाद उसका विवाह कर दीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी।